दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिजिटल हो चुकी है और ऐसे में अगर एक दिन भी इंटरनेट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। यहाँ तक कि अब हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की पहुंच होने की वजह से यह हमारी जिंदगी में पूरी तरह से समा गई है और इसके बिना तो आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों इंटरनेट जहाँ एक तरफ आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठकर पूरी दुनिया की जानकारी रख सकते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर मौजूद आपकी जानकारी का भी इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जो लोग गैर कानूनी तरीके और आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं उन्हें हम आम भाषा में हैकर कहते हैं। हालांकि दोस्तों हैकर्स भी दो तरह के होते हैं, पहले तो ब्लैक हैट हैकर्स जो कि गैर कानूनी तरीके से काम करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे व्हाइट हैट हैकर्स जो कि नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से हमें बचाते हैं, साथ ही कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। हालांकि दोस्तों इंटरनेट पर एक ऐसा हैकर ग्रुप भी है जो कि गैर कानूनी तरीके से ही सही लेकिन मानवता की भलाई के लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हैकर्स के सबसे बड़े ग्रुप एनोनिमस के बारे में, जो कि करप्शन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और सरकार द्वारा लोगों के अहित में किए गए काम के खिलाफ अपनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी पावर के दम पर लड़ता है। लेकिन इस एनोनिमस ग्रुप के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर ये कौन है, कितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं और ये कहां से ऑपरेट की जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि इसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के बूढ़े भी शामिल हैं और यह ग्रुप किस तरह से लोगों की मदद करता है आगे हम पूरी डिटेल में उनके कामों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम यह जानते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ भी एकदम सटीक इस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत 2003 में 4chan.org नाम की एक वेबसाइट से हुई थी और यह एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है और दूसरे लोग उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट पर एक व्यक्ति ने किसी नेता का मजाक बनाते हुए उनकी पिक्चर पोस्ट की थी और उस पोस्ट किए गए तस्वीर के खिलाफ किसी ने बोलना शुरू किया और वेबसाइट पर गाली गलौज भी करने लगा। लेकिन उस वेबसाइट पर एक एनोनिमस नाम का यूजर था जिसने की फोटो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति का साथ दिया और बोला कि हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नेता के सपोर्ट में जो आदमी था उसने गाली देना जारी रखा और इन सभी बातों से तंग आकर एनोनिमस नाम के यूजर ने उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को हैक कर ली और उसकी जानकारी अपनी आईडी से वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। साथ ही हैक किए गए अकाउंट पर एक मैसेज था जिस पर लिखा हुआ था, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और यही आगे चलकर एनोनिमस हैकिंग ग्रुप का सबसे फेमस कोड बन गया और कहते हैं कि यहीं से एनोनिमस हैकिंग ग्रुप की शुरुआत हो गई थी। और फिर आगे चलकर एनोनिमस नाम से इंटरनेट पर हजारों हैकिंग्स हुई और लोगों के बीच ये अपने काम करने के तरीके से काफी लोकप्रिय होने लगी। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस ग्रुप को तब जाकर मिली जब विकिलीक्स नाम की एक वेबसाइट को उन्होंने सपोर्ट किया। दरअसल विकिलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि भ्रष्टाचारी नेता और सरकार की खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का काम करती है और यह वेबसाइट पूरी तरह से यूजर्स के डोनेट किए गए पैसों की मदद से चलती है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी नेता इसे बंद करवाने के पीछे पड़ गए और उन्होंने बैंक को आदेश दिया कि जो भी लोग इस वेबसाइट पर पैसे डोनेट करें उसे कुछ महीनों के लिए रोक लिया जाए। और इसीलिए जब विकिलीक्स के पैसों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैंक के पेमेंट गेटवे को हैक करके विकिलीक्स के पैसों को रुकने नहीं दिया। साथ ही एनोनिमस ग्रुप आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ भी मैदान में उतर चुकी है और उनके सैकड़ों साइट्स को तबाह करके एक दूसरे के लिंक को तोड़ने में इस ग्रुप ने अहम रोल अदा किया है। और एनोनिमस के शानदार काम के चलते इस ग्रुप को डिजिटल रॉबिन हुड्स भी कहा जाता है। और आखिरकार बहुत सारे विरोध के बाद से 2012 में टाइम्स ने एनोनिमस को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया। इसके अलावा एनोनिमस ग्रुप अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को भी हैक कर चुका है और इसके पीछे की यह वजह सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुस्लिम धर्म के लोगों पर जो बैन लगाया गया था वह इस ग्रुप को पसंद नहीं आया। और दोस्तों पूरे दुनिया में इस ग्रुप के मेंबर होने के संदेह में बहुत सारी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह ग्रुप आज भी मानवता के हित में अपनी आवाज उठाने से नहीं चूकता। और दोस्तों आपको बता दें कि एनोनिमस ग्रुप ने रिलायंस जियो पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस ग्रुप के कुछ हैकर्स का दावा है कि रिलायंस जियो यूजर्स का कॉलिंग डेटा अमेरिका और सिंगापुर के कंपनीज को बेच रही है, लेकिन यह बात जब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते।
और जो कि इस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन करके इन्हें सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए पूरी दुनिया के बहुत सारे हैकर्स इस ग्रुप में शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस हैकर ग्रुप की जो कि गैर कानूनी तरीके से ही सही लेकिन इंसानियत के हित में काम कर रहा है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।